नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी सरकार ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के तहत 25 जून को संविधान की हत्या का दिन करार दे दिया है। दरअसल इस दिन इंदिरा गांधी सरकार में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। अब कांग्रेस सरकार को घेरते हुए मोदी सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके साथ ही अमित शाह ने एक ट्वीट किया है और कांग्रेस पर तंज कसा है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको यह भी बता देते हैं। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया है। तो मोदी सरकार ने अब कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला है 25 जून को आपातकाल और संविधान की हत्या घोषित कर, क्योंकि कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को संविधान के मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, तमाम आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अब मोदी सरकार ने कांग्रेस को उसी के तीर से घायल करने का काम अभिषेक कर दिया एक तरीके से। लेकिन शबनम, मुझे नहीं लगता कि ये तीर इतना कारगर बीजेपी का होने वाला है, क्योंकि संसद में ये लोग प्रस्ताव लेकर आए, उस प्रस्ताव के बाद अब जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और संविधान हत्या दिवस 25 जून को हर साल हिंदुस्तान मनाएगा ऐसा नोटिफिकेशन बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं शबनम उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश थी जिस नैरेटिव में 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था और उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच प्रचार किया था कि अगर 400 पार आ गई तो दलितों को खतरा है, ओबीसी को खतरा है और बीजेपी 400 पार सीटें अगर लेकर आती है तो वे संविधान से आरक्षण का सब जो है आरक्षण को खत्म कर देगी। और इस नैरेटिव को, इस झूठ को साबित करने में बीजेपी बहुत पीछे रह गई। नतीजा हुआ 240 सीटों पर बीजेपी को सिमटना पड़ा। अब उसी के जवाब में हो सकता है कि बीजेपी ये नया जो है ये कारनामा लेकर आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। भाई 1975 में इमरजेंसी लगी, 21 महीने तकरीबन इमरजेंसी लगी रही, 25 जून को लगी और अगले साल मार्च तक, दो साल, हाँ माफ कीजिएगा, 21 महीने इमरजेंसी लगी रही। अब हाँ वो जो है 21 जो है 25 जून 1975 को लगी थी और 21 मार्च 1977 तक वो रही है इमरजेंसी से पहले 352 सीटें लोकसभा में थी इंदिरा गांधी के पास, लेकिन इमरजेंसी के बाद 153 रह गई, मतलब आधे से भी ज्यादा। लाखों लोग जेलों में डाल दिए गए और 10 लाख से ज्यादा जो है लोगों पर जबरदस्ती की गई। लेकिन इस चीज को आप प्रचारित तो कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त पर किया, ये किया था। लेकिन शबनम मुझे ये बताइए कि अगर आज आप संविधान हत्या दिवस घोषित कर देते हैं 25 जून को तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है अभिषेक? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में लगातार कुछ मोदी सरकार के फैसलों पर यह कहा गया कि संविधान को कुचलने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, ओबीसी और पिछड़े दलितों को गिराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आरक्षण खत्म किया जा सकता है तो नौकरियों पर भी खतरा हो सकता है, जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया तो मोदी सरकार उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाई। उससे कहीं ना कहीं वोटों में भी नुकसान हुआ, सीटें काफी घट गई, तीसरी बार बहुमत में नहीं आ पाए। तो हो सकता है कि मोदी सरकार विपक्ष के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कांग्रेस नहीं टूट रहा है सामने ला रही है, नहीं टूट रहा है ना, सिर्फ आपातकाल सबको पता है कि 1975 में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाया था क्योंकि उनकी उन्हें अपनी सीट छोड़नी थी, गिरफ्तारी भी हो सकती थी, इसलिए जो है उन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी। लेकिन बीजेपी इस चीज का जिक्र क्यों नहीं करती कि उस दौरान उन 21 महीनों में 50 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किए गए, मीसा एक कानून बना दिया गया, लालू यादव ने अपने बेटे का नाम जिस पर रखा है जिससे मीसा याद रहे कि किसी पर भी अब अगर किसी भी बारे में किसी भी बात को लेकर शक है तो आप उसको घर से उठाइए, ना कोई वारंट ना कोई पूछताछ, उठाकर जेल में डाल दीजिए। कोर्ट तक कोई आदेश नहीं था कि वो पूछ सके आपने इस इंसान को जेल में क्यों डाला है, क्या आरोप लगाए हैं। ये संविधान में जो संशोधन 50 से ज्यादा इंदिरा गांधी ने किए थे, लगभग
एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1975 के उस दौर में 21 महीने में इंदिरा गांधी ने लिख दिया था, आप उन चीजों को बाहर क्यों नहीं लाते कि ये चीजें बदली गई थी। संविधान का जो प्रियम्बल है, मतलब संविधान की जो मूल संरचना है जिसके आधार पर पूरा संविधान लिखा गया, उस संविधान को भी, उस संविधान में भी इंदिरा गांधी के द्वारा बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, तो उस चीज को, वो चीज आज तक भी शबनम मेंशन नहीं है। जो चीज 1975 में संविधान में ऐड की गई वो नहीं पता है कि वो 46 में लिखी गई थी या फिर 75 में लिखी गई है, वो चीज भी ऐड ऑन नहीं की गई। तो बीजेपी को अगर करना है तो उन चीजों को ऐड ऑन करवाए, या फिर जो मूल था, जो मूल संविधान लिखा गया था, जो 50 में लागू हुआ था, 46 में लिखा गया था, बाबा अंबेडकर साहब ने जो लिखा था उसको वो बताए कि 1950 में ये संविधान था और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई उस वक्त इंदिरा गांधी ने ये बदलाव किए गए, ये अंतर हुआ, अपने फायदे के लिए किया। काला कानून इसलिए, काला दिन इसलिए कहा जाता है। अब प्रस्ताव ले आए संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, क्या होगा उससे? समझने वाली बात है, आप ये बताएं तो जनता को समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये किया, अपने फायदे के लिए ये किया, इसीलिए 350 सीटों वाली पार्टी 153 पर आकर सिमट गई और फिर गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी। ये हुआ, बहुत कुछ हुआ राजनीति में उस दौरान, लेकिन हत्या दिवस जो है आप मना लेंगे 25 जून को, उससे क्या होगा? मुझे तो कोई फायदा नहीं नजर आता, और ना ही कांग्रेस के उस नैरेटिव का ये जवाब मुझे नजर आता है जिस नैरेटिव में कहा गया था कि बीजेपी 400 पार ले आई तो वो संविधान बदल देगी। आप बताइए ना कि 50 से ज्यादा जो संशोधन किए गए वो ये संशोधन थे, एक एक करके जनता के सामने रखिए। ये कांग्रेस ने सत्ता रखने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता से उसे बेदखल ना किया जाए उसके लिए जो है कांग्रेस ने ये प्रपंच रचे, आप वो बताए तो ज्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है शबनम। तो कांग्रेस को घेरने के लिए मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस नोटिफिकेशन पर ऐतराज जताया है, विरोध शुरू हो गया है मोदी सरकार का। अब कांग्रेस कैसे इसका तोड़ निकाल पाती है, कैसे मोदी सरकार को इस बात का जवाब दे पाती है, क्योंकि कांग्रेस राज पर एक काला धब्बा लगा हुआ है, इमरजेंसी, और इस इमरजेंसी के काले धब्बे को वो चाहकर भी नहीं मिटा सकती, और जिस पर लगातार मोदी सरकार हमला कर रही है, तो कांग्रेस भी खुद चारों तरफ से घिरी हुई है। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।